100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। वक्त हो चला है टॉप 24 का। देश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1,65,799, अब तक 4,706 मौत। देश में बीते 24 घंटे में 7,466 नए मामले आए सामने, 175 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,106 नए केस आए सामने, 13 की मौत। मरीजों की कुल संख्या हुई 16,200। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 184 नए मामले आए सामने, मरीजों की संख्या हुई 7,170। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 344 नए मामले आए सामने, 6 लोगों की मौत। राजस्थान में 91 नए कोरोना पॉजिटिव केस, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 8,168, अब तक 182 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 116 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 3 की मौत। महाराष्ट्र पुलिस में अब तक 2,211 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, 25 की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 367 नए केस आए सामने, राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,572। कर्नाटक में 178 नए कोरोना पॉजिटिव केस, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2,711, अब तक 47 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना के अब तक 58,03,416 केस, 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना संक्रमित शवों के साथ हो रही लापरवाही, दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस। झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों को मिल सकती है राहत, देश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में हो सकती है बारिश। आईएमडी के अनुसार 1 जून के आसपास आ सकता है मानसून। ट्रेन शुरू करने से पहले रेलवे ने जारी की नई एडवाइजरी, रेलवे ने गंभीर बीमारियों से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं, कम उम्र के बच्चों और बुजुर्ग लोगों को यात्रा से बचने की दी सलाह। कर्नाटक में एक बार फिर से खड़ा हो सकता है राजनीतिक संकट, सीएम येदियुरप्पा को घेरने में जुटे 20 बागी विधायक। लॉकडाउन तोड़कर काफिले कर गोपालगंज मार्च पर निकले तेजस्वी और राबड़ी, पुलिस ने नहीं दी जाने की इजाजत। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लिया जौहर यूनिवर्सिटी की 5 एकड़ जमीन का नियंत्रण। मेरठ मेडिकल कॉलेज में बंदरों ने लैब टेक्नीशियन से छीने कोरोना टेस्ट सैंपल, वीडियो वायरल। गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, दिल्ली एनसीआर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली से सटे सभी राज्यों की आज सीमाएं हुई सील। कराची प्लेन क्रैश मामले में नया मोड़, विमान के मलबे से मिले 3 करोड़ रुपए कैश, साजिश का गहराया शक। निपुलेट विवाद पर भारत का नेपाल को जवाब, कहा बातचीत शुरू करने के लिए बनाना होगा दोस्ताना और भरोसे का माहौल। भारत चीन विवाद पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, अच्छे मूड में नहीं है पीएम मोदी, मैं मध्यस्थता करने को तैयार। ट्रंप के दावे पर सरकार ने पूछा कब हुई पीएम से बात।
यूएस ने एक बार फिर उड़ाया डब्ल्यूएचओ का मजाक, कहा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाकर फिट है ट्रंप, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर फिर इसी दवा का करेंगे सेवन। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, करीना कपूर पर भ्रम फैलाने का लगा आरोप, एएससीआई ने कहा विज्ञापन से पहले ब्रांड के दावों की नहीं करते जांच। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन, 34 साल के उम्र में ली अंतिम सांस, 20 दिन से रायपुर के अस्पताल में थे भर्ती, बेटे अमित जोगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। फिलहाल मेरे साथ टॉप 24 में इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।